तो बताओ क्या कह रही थी मैं? हाँ, तुम कुछ कह रही थी। सीरियसली अरफान, मैं पागलों की तरह बोल रही हूँ, तुमने एक बात भी नहीं सुनी? हद है। अरे कहाँ जा रही हो, बैठो बैठो। क्या हो गया तुम्हें, अपना क्यों मूड ऑफ कर रही हो? अरफान, जब तुम मेंटली मेरे साथ हो ही नहीं तो आते क्यों मेरे साथ? बस यार, क्या बताऊं, एनी भाभी की वजह से परेशान है। एनी भाभी? उन्हें क्या हुआ है? यार मम्मी बहुत ज्यादा सख्त हो गई है उनके साथ, उमर को भी उनसे दूर कर दिया है, और अगर मम्मी को कुछ बोलो तो वो खफा होने लगती है। तुम्हें क्या पड़ी है उनके मामले में बोलने की? अरफान देखो, तुम जानते हो ना कि हमें शादी करनी है, और अगर मम्मी खफा हो गई तो वो कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। यकीन नहीं आता कि तुम इतना सेल्फिश होकर ये सोचोगी। सेल्फिश? नहीं अरफान, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। अभी बिल्कुल अकेली है, उन्हें किसी की सपोर्ट की तो जरूरत है ना। तो उनके पेरेंट्स भी तो है ना, अपने अम्मी अब्बू के घर चली जाए वो। क्यों? वो उनके शोहर का घर है, उनका और हमारे भतीजे का, दोनों का हक है उस घर पे। मुझे एक बात बताओ, क्या बेवा होने के बाद औरत का कोई घर नहीं रहता? ये जज्बाती क्यों हो रहे हो तुम? इतनी सी बात कही थी मैंने और तुमने इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया मुझे, हद है। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। तुम एनी भाभी की वजह से मुझसे क्यों खफा हो रहे हो? मैं किसी से खफा नहीं हो रहा, लेकिन सिद्रा मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सोच मेरी है वो तुम्हारी भी हो। ओके फाइन, मैंने मान लिया तुम्हारी बात को अरफान, लेकिन अब तुम मूड ठीक करो और हमारे रिश्ते के बारे में सोचो, क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है।